बार बार भारत को आंख दिखाने वाले चीन के नागरिक को भारतीय नौसेना ने बचाया तो दुनिया भर में इसका डंका बज गया। इनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। भारत ने एक चीनी नागरिक को समंदर में बचाया है। जी हाँ, अब भारतीय नौसेना की इस कदम की तारीफ हर तरफ हो रही है। भारत से बोल रहा है कि यार हम तो फंस गए, कुछ करो। बल्कि चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी। एंड भारतीय नौसेना सबसे पहले मदद के लिए पहुंची। भारत ने मुश्किल वक्त में चीनी नागरिक की मदद की है और उसको वहां से एयरलिफ्ट किया गया है। हमने, मैंने आपको टेक्निकल रीजंस भी बताए थे वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। जी जिनपिंग वगैरह इनके बस का कुछ है नहीं, ये सिर्फ फोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स पर फोटो डाल सकते हैं और वो ड्रिल विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूंगा। जिस तरह से वो डिटेल्स आई है वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज्यादा फोकस है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मजे की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना, ठीक है जी। और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखें कि आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया है तमाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जितनी ट्रेड गुजरती है, कि भाई ये हमारे जहाज हैं, हमारी नेवी खड़ी हुई है। सो वी आर अगेंस्ट पायरेसी, वी आर अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिस्ट क्राइम नेटवर्क्स के अगेंस्ट हैं हम। जो वहां पे जो गल्फ ऑफ एडन में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मसले पैदा होते हैं तो हमारी नेवी वहां पहुंचती है दहशतगर्दों के खिलाफ, पायरेट्स के खिलाफ। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ लीडरशिप फॉर इंडिया। देखिए, ये इंडिया के लिए मोमेंट ऑफ लीडरशिप का। सो इस चीज को इंडियंस बड़े अच्छे से समझते हैं। सो अपने आप को पिच कर रहे हैं एंड द पिच इज बीइंग टेकन वेरी सीरियस। वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी इंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी। एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। सो ये जो कॉम्पोनेंट है कि सिर्फ मिलिट्री पावर अपने आप को शो नहीं कर रहे, बट वी आर इन टू द डिजास्टर रिलीफ में भी हम आपके साथ हैं, कहीं पे जलजला आ गया है। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, एक तो उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो सी के ऊपर है, जिस तरह अमेरिकन नेवी करती है, जिस तरह की चाइनीज नेवी करती है या फिर ब्रिटिश नेवी करती है, उससे आगे बढ़कर इस पूरे एरिया को एक वो सिक्योर करते हैं। और उसके बाद इंडियन नेवी के शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रिसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में, जब से ये साल शुरू हुआ है, तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए और सबसे बड़ी बात यह कि सक्सेसफुल रहे ये ऑपरेशंस उनके। यानी 2 दफा, एक दफा 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करवाया, 42 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करवाया। और बाकायदा मैं आपको बताऊं, उन जो लोग होते हैं उनकी वीडियोज हमने देखी है, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है, नो डाउट अबाउट दैट, कि एक उनको लगता है कि यार पता नहीं हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नेवी अपना जो भी काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास इन चीजों के शायद इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं,
तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई वैसे तो मतलब हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है, इस पे बहुत सारे लोग स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो, या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सबके सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस है, प्रेजेंस रहती है, और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनती है। जैसे कि बल्गारिया ने थैंक यू कहा था, वैसे पाकिस्तान को भी थैंक यू कहना चाहिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है ये कि उन लोगों ने हमारे लोगों को दो दफा रेस्क्यू करवाया है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं करती, बड़े प्रोफेशनल लोग उनके पास भी हैं और मतलब चीजें भी हैं, उनके पास वीजल्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान शायद इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि यूनाइटेड नेशन के या बाकी पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी अजाज मुकर्रर होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे पाकिस्तान वो चीज नहीं करता या शायद नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से ये लोगों ने इंडिया जिंदाबाद या इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाया, मुझे किसी ने ट्विटर पे लगा लिखा, शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी जी बहुत बुरा लगा होगा, तो मेरे ख्याल में मैं एक बात आपको बड़ी ओपनली बता दूं, यकीन करें कि मुझे इन चीजों में कोई मुझे बुराई नहीं लगती, अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बिल्कुल अच्छा लगता है आपके मुल्क के हवाले से अगर कोई कहता है, लेकिन इंडिया ठीक है हमारे साथ उनके बहुत सारे मसले मसाइल रहे होंगे, जंगें भी हुई हैं, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करते हैं और मैं कहूँ नहीं जी मैं तो कोच इंडियन नेवी ने कर तो दिया, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना ये बड़ा खतरनाक होता है, वो जी कोई नहीं है तो बस उनकी ड्यूटी, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है सर, वो उनको क्या पड़ी हुई है, उनके नेवी की जो काम है वो अपना कर रहे होंगे, करते रहेंगे, उनकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जो समंदरी जो उनका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, ये उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर हम कहें कि जी पाकिस्तानियों को वो रेस्क्यू कराते हैं, दो दफा वो रेस्क्यू करवा चुके हैं, बल्गारिया के शिप के लोगों को वो रेस्क्यू करवा चुके हैं या और कुछ लोगों को करवा चुके हैं, अब एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये हो रही है कि इससे इंडिया का जो कद काठ है आप यकीन करें कि वो मजीद बढ़ रहा है, आप ऑलरेडी वो था लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। इंडिया 2035 तक 170-175 शिप्स ले आता है, तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं।